Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth, the study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आज हम लोग जो विषय पे बात करने वाले हैं, that is very important for many people. थोड़ा उसका इतिहास मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो अणु परमाणु का जो साइंस है वो बहुत जगह लिखा है वैदिक शास्त्रों में. और जैसे दो अणु को जोड़ने पे परमाणु बनता है, फिर ऊर्जा निकलती है, ये बहुत जगह लिखा हुआ है. और लेकिन संसार में फिजन, जो एक परमाणु को तोड़ के जब दो अणु निकलते हैं तब वो फिजन होता है. आज यही सब बातें हम पता करेंगे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर प्रभात रंजन फ्रॉम डीवाई पाटिल. इज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट. वेलकम सर. थैंक यू. तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, बिकॉज यू गेव सच ए गुड टॉपिक. तो आपने टॉपिक बताया मुझे, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट विद द व्यूअर्स. उन्होंने टॉपिक बताया मुझे सस्टेनेबल फ्यूचर, क्योंकि मुझे लग रहा था कहाँ पे फ्यूजन पे बात कर क्या होगा. सो सबसे पहले थोड़ा सा बताइए कि यू आर एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इन इंडिया, एंड आप अभी यूएस में भी थे थोड़े दिनों पहले. तो हाउ डू यू थिंक कि पहले तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को, और न्यूक्लियर फिजन के बीच में डिफरेंस और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो प्लीज थोड़ा बताइए इसके बारे में. जी, तो एक्चुअली मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं यूएस में पीएचडी करने गया था 1981 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में. और जब मैं इंडिया से यूएस जा रहा था, मेरी पहली फ्लाइट थी, और रात में जब वेट करते फ्लाइट के, उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, और उसी से मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डिसाइड किया था, जबकि मुझको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी. मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है कि कैसे मैंने ये चीज़ डिसाइड किया. तो मैं यूएस गया और फिर वहाँ पर जब मैं रिसर्च कर रहा था लॉरेंस पर्सनल लेबोरेटरी में, तो मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च किया और मैं इंडिया का पहला पीएचडी शायद हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन में. और 1986 में मैं न्यूक्लियर फ्यूजन में रिसर्च करके इंडिया वापस आ गया था. और उस टाइम इंडिया में न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क जस्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा. तो हम लोग जब सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं, एनर्जी सोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, लेकिन ये सब का जो स्रोत है वो सूर्य है. सूर्य के ऊर्जा से ही ये सभी चीजें चलती हैं. तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसी चीज है जो सूर्य में जो पद्धति होती है, जिस पद्धति से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, और हिंदी में नाभिकीय संलयन बोलते हैं. तो हमारा ये प्रयास है कि सूर्य से जिस विधि से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी विधि से हम पृथ्वी पर यदि ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज होगी. तो इफेक्टिवली हमारे किताबों में लिखा गया है कि हनुमान जी ने सूर्य को एक गेंद का गोला समझकर, गेंद को समझकर उसको पकड़ लिया था या मुंह में साइड डाल दिया था. तो हम लोग का काम हनुमान जी वाला है कि कैसे सूर्य को पकड़ के पृथ्वी पर ले आए. तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ही सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, और उस फ्यूजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इतना होता है कि पूरे सोलर सिस्टम को अलाइव करता है. तो हमारा प्रयास यह है कि उस सूर्य को हम पृथ्वी पर एक कृत्रिम सूर्य बना सके, यही नटसेल में न्यूक्लियर फ्यूजन में कहूंगा. तो कॉम्पिटिशन हो गया सूर्य के साथ हमारा. कॉम्पिटिशन नहीं, हम गुरु है, हम उससे सीख रहे हैं और एक छोटा सूर्य बना रहे हैं. तो बहुत सारे, मैं थोड़ा सा लाइट में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे पुराणों में ऐसे लिखे हुए ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने सूर्य को भी पकड़ने की कोशिश करी. हनुमान जी ने तो भक्ति में पकड़ लिया, वायुपुत्र ने पकड़ लिया, लेकिन बाकी सब ने गलत यूज करने के लिए भी उसको पकड़ने की कोशिश करी. सो डू यू थिंक कि आज के जमाने में भी कुछ लोग गलत यूज करके उसको पकड़ सकते हैं? देखिए, यदि हम न्यूक्लियर, अभी ओपेनहाइमर मूवी आई थी और वो बर्कले के फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही थे और मैं भी बर्कले के फिजिक्स डिपार्टमेंट में था, तो मैंने वो मूवी देखी और
न्यूक्लियर फिशन जो है एटॉमिक बॉम्ब वो बाद में बना और एटॉमिक न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ पहले बना, और फ्यूजन में उल्टा हुआ है। फ्यूजन में उसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉम्ब पहले बन चुका, इंडिया ने बनाया है, तो वो काम पहले ही हो चुका है। हम लोग का प्रयास जो अब है कि उस ऊर्जा को उत्पन्न करें, इसको कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, कि ऊर्जा जो विध्वंसक तरीके से नहीं निकले, एक कंट्रोल वे में निकले, उस ऊर्जा को हम लोग अपने जीवन के शैली को विकसित करने में लगाएं, और जो हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो उसके जरिए से हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ये जो है वो विध्वंसक पार्ट, जो उसका दोनों का विध्वंसक पार्ट भी है और क्रिएटिव पार्ट भी है या सस्टेनेबल पार्ट भी है, तो ऑलरेडी हो चुका है। वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसी तरीके से होता है। हम लोग जो काम करते हैं वो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें उस रिएक्शन कंट्रोल के करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक पावर स्टेशन का जो विध्वंसक एक होता है, एटॉमिक पावर स्टेशन हमने देखा है, यूएस में 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट हुआ, आपको जापान में हुआ, आपको रशिया में हुआ, तो सब जगह विध्वंसक हुए हैं उसमें, क्योंकि वो एक्सप्लोड कर जाता है, कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसी कोई सिस्टम में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कि वो एक्सप्लोड कर सके, तो इनहेरेंटली सेफ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक मतलब एनर्जी की नीड्स तो भारत को बढ़ती रहेंगी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन है, और ऑल्सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरत होता है। तो पहले आप बताइए कि कितना डिफरेंस है न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस होने में इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, और फ्यूजन में किसमें ज्यादा यूज होता है, किसमें कम होता है। मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा इसमें, जिसमें कि इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का इंडिया से लिंक है। तो डॉक्टर मेघनाथ साहा के बारे में शायद सुना होगा लोगों ने, उन्होंने 1920 में एक साहा आयनाइजेशन इक्वेशन बोलते हैं जिसको बनाया था, जिसको प्लाज्मा फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन हम करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को यूज करते हैं। सूर्य के अंदर में जो होता है, जो रिएक्शन होता है, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन होता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, वो स्लो प्रोसेस, लेकिन चूंकि सूर्य में इतनी मात्रा में है कि स्लो रिएक्शन से भी इतने ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को सप्लाई करता है एनर्जी, लेकिन पृथ्वी पर हम करें तो वो संभव नहीं है। तो हम लोग हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज करते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये एक ऑप्शन है जिसको नॉर्मली समझा जाता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शन हैं जिसको कंसीडर किया जा रहा है, वो अभी मौका मिला तो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसके लिए हमको जो प्रोसेस है उसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को एक हाई टेम्परेचर, मतलब 100 to 200 million डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखना पड़ता है, और जैसे जिसको 10 से 20 करोड़ हम बोल सकते हैं, उस टेम्परेचर पर उसमें जो रिएक्शन रेट होता है वो सफिशियंट होता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसका जो रॉ मटेरियल आपने पूछा, तो जो ड्यूटेरियम है वो जो नेचुरल वाटर है उसके एक परसेंटेज में हैवी वाटर होता है। उस हैवी वाटर को वो ड्यूटेरियम से बना होता है, ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से बना होता है, तो ड्यूटेरियम को वहां से पानी से निकाल सकते हैं। और जो दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट है ट्रिटियम, वो एक्चुअली रिसाइक्लेबल होता है, मतलब जो खर्चा उसमें होता है रिएक्टर में वो वापस हम ले आते हैं, और एक्चुअली उसमें लिथियम का एक रोल होता है। तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल है वो लिथियम है और पानी है। अब लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि कितनी मात्रा में यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए हम कोयला निकाल रहे हैं तो लाखों टन निकालने पड़ते हैं। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि यदि एक बाथटब में जितना पानी होता है, लोग नहाते हैं डेली उतना खर्चा करते हैं, एक एक आदमी खर्चा करता है, उसका यदि पानी ले लें और एक लैपटॉप में जो बैटरी होता है उसमें जितना लिथियम होता है वो ले लें, एक एवरेज फैमिली 3-4 लोगों के लिए 50 साल तक वो ऊर्जा दे सकता है
एक बाथटब ऑफ वाटर और एक लिथियम जो क्वांटिटी लैपटॉप बैटरी में है मौजूद, उतने में ही हो जाए। तो समझ सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में जो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल ये सब जगह उपलब्ध है। और मैं यही बताना चाहूँ कि इंडिया में लिथियम का एक बहुत बड़ा सोर्स भी मिला है। हाँ, सुना था थोड़े दिनों पहले कश्मीर में मिला है जी, और हो सकता है उधर और भी। तो मुझे एक, तो अभी जब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अभी इंडिया बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा है और अमेरिका में बंद कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर मेनी रीजंस वी डोंट नो, और रशिया में, बाकी कंट्रीज में लोग बना रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्योंकि इट्स ए वेरी इजी सोर्स ऑफ, चीपर सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। तो एक बात मुझे बताइए कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू न्यूक्लियर फ्यूजन? मैं पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँ कि न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुआ है और इसलिए लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन किसी भी ऊर्जा स्रोत को यदि लार्ज स्केल पर यूज करना है तो उसको इकोनॉमिक होना पड़ेगा। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो अर्ली स्टेज में कॉस्टली होता है, फिर धीरे धीरे उसमें ऑप्टिमाइजेशन होता है, स्केलेबल सिस्टम्स होते हैं तो उसका कॉस्ट कम होते जाता है। लेकिन अभी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है क्योंकि जब तक कॉमर्शलाइज नहीं हुआ है इनफैक्ट, लेकिन मेरी ये आशा है कि 2035 तक ये कॉमर्शलाइज हो जाएगा। पहले हम लोग बोलते थे कि शायद 2060 तक कॉमर्शलाइज हो, लेकिन अभी जो कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स आए हैं उसके कारण ये माना जा रहा है कि 2035 तक ये कॉमर्शलाइज हो जाएगा। और इसमें अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, कोई एक विधि नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के, और जो रॉ मटेरियल है वो भी चेंज होता है। तो इसमें कौन सा सक्सेसफुल होगा कॉमर्शली वो भी अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, बहुत सारे ट्राई किए जा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्राई हो रहा है इस पर। तो अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रॉम द फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कंपेयर करें, सो आपने बताया कि इट इज लेस वायलेंट, लेकिन एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कम होती है इसमें? ज्यादा होती है, ज्यादा कम कम मात्रा यूज करके ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। सो ना इफ यू कंपेयर द, आई मीन मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है, बट यू नो आई एम नॉट ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यू आर द न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सो व्हाट इज द, देन व्हाट इज द इकोनॉमिक रीजंस व्हाई इट इज सो अनवायबल राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग? कुछ तो होगा उसमें कि कंट्रोल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और कुछ तो होगा उसमें इस तरह का। तो इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी ऊर्जा स्रोत होती है, एनर्जी सोर्स होता है, तो हम जितना उसमें एनर्जी डालते हैं उससे ज्यादा एनर्जी उसमें उत्पन्न होना चाहिए। मान लीजिए आपने 100 मेगावाट डाला तो उससे 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, 1 गीगावाट एनर्जी निकले तभी वो यूजफुल होगा। यदि आपने 100 मेगावाट डाला और उससे 40 मेगावाट लिया तो ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उसमें एक जस्ट अभी बंद हुआ है, जस्ट कुछ दिनों पहले की बात है, ज्वाइंट यूरोपियन टूरस, जिसमें काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। तो ये किसी में भी, उसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा निकली है, लेकिन अभी वो कॉमर्शियल स्टेज का नहीं था, उसमें से एक एक्सपेरिमेंटल दिया था। तो अभी तक जो स्केल पर बनाने, अभी जो टेक्नोलॉजी उसके उसमें जिस स्केल पर, जिस लार्ज स्केल पर मशीन बनाने की जरूरत है वो स्केल पर अभी बना नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, उसका मशीन अभी अंडर असेंबली है, ईटर प्रोजेक्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि साउथ ऑफ फ्रांस में है। इसमें अलग अलग कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे यूएस है, यूरोप है, जापान है, इंडिया भी उसमें है, 7 कंट्रीज उसमें मिलकर कर रहे हैं। तो वो जो डेवलपमेंट है उसका ये माना जाता था कि 2025 तक वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर 2035 तक उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक्चुअली होने लगेंगे, और उसमें नेट गेन ऑफ एनर्जी होना था। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ तकनीकी, कुछ लोकल इश्यूज को लेकर उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। वो असेंबली चल रहा है, उसमें इंडिया ने सबसे बड़ा एक सिस्टम जो है क्रायोजेनिक वेसल वो बनाया था, वो ऑलरेडी इंस्टॉल वहां हो चुका है, उसमें और भी चीजें चल रही है। वो लगभग
एक 8 मंजिले इमारत के हाइट का है, तो उसमें ईटर प्रोजेक्ट। लेकिन ये जो ईटर प्रोजेक्ट है जो कि जिसका कि ओरिजिन हुआ है 1985 के आसपास, जब रीगन यूएस के प्रेसिडेंट थे और गॉर्बाचोव यूएसएसआर के थे, उस टाइम लोग आपस में डिस्कशन हुआ था और उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि इस टाइप का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया जाए। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, उसमें 2007 में दूसरे कंट्रीज सब मिलके उसका एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, इन बिटवीन बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं, जिसके कारण ये आशा की जाती है कि वो जो वो जिस साइज का है उस साइज से छोटे साइज में बन जाएगा। और उसके अलावा और कई अलग अलग प्रोसेस से ट्राई किया जा रहा है और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रहा है। यूएस में ही लगभग 5-6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। चाइना काफी अब आगे बढ़ गया है, कोरिया आगे बढ़ गया है, यूके में एक प्राइवेट एंटिटी ने अच्छा रिजल्ट दिखाया है। तो अचानक से काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट सपोर्टेड के अलावा प्राइवेट जो इनिशिएटिव है वो काफी आगे आ गया है। तो उसमें जो साइज है मशीन की, इफिशियंसी बढ़ गई है, साइज छोटा हो रहा है, उसके कारण यह आशा है कि ये जल्दी हो जाएगा और उसका कॉस्ट भी कम हो जाए। जैसे कि लगभग ईटर प्रोजेक्ट जो है उसमें एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 20 बिलियन डॉलर लगेगा और लेकिन एक्चुअल कॉस्ट शायद उससे ज्यादा ही हो गया है और अब ये 2-3 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। इसके अलावा मैं एक चीज और दर्शकों को बताना चाहूंगा, शायद मैं थोड़ा डिटेल बाद में दे सकूं, कि जब हम उसको ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो उसमें आपको न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और न्यूट्रॉन एनर्जी कैरी करती है, इसके अलावा अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को हम लोग कैप्चर करके उसका यूज भी कर सकते हैं, जो न्यूट्रॉन फैक्ट्री। तो उसमें क्या होगा कि जो ऊर्जा हम डाल रहे हैं, मान लीजिए 100 मेगावाट डाल रहे हैं, केवल 40 मेगावाट उससे निकल रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उसको यूज करके हम उसको सक्सेसफुल एप्लीकेशन में ला सकते हैं। इसके बारे में शायद बाद में चर्चा करूंगा डिटेल में। एक्चुअली एक आप मुझे एक इसमें जो आप बता रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन जो आपने प्रोसेस अभी बात में बताया आपने, तो और इसके पहले भी आपका एक पॉइंट था, मैंने लिख लिया वहां पे जो आप बता रहे थे कि द मिनिएचराइजेशन और इन एज इट इज प्रोटोटाइप प्रोडक्शन। जैसे कि दर्शकों को मालूम है मेरे टॉपिक्स नहीं है, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम प्रोफेसर प्रभात रंजन जी। सो इसमें जो रेगुलर सेटअप में है, लाइक इसमें लीडर्स कौन कौन से देश हैं इस समय, लाइक वो हु आर द लीडर्स, इंडिया का इसमें लीडरशिप है या अमेरिका का है? अभी मैं बताना चाहूँ क्योंकि जो ईटर प्रोजेक्ट साउथ ऑफ फ्रांस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बन रहा था, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, उसी को माना जाता था कि वो सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन इन द मीन टाइम चाइना काफी आगे बढ़ गया है, जापान के अभी एक रिएक्टर भी बना है, कोरिया अभी काफी आगे बढ़ गया है और यूके में प्राइवेट एंटिटी है, उसके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। इसके अलावा यूएस में बहुत सारे प्राइवेट इनिशिएटिव जो हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें एक है कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम जो कि MIT यूएस का जो है उसका एक स्पिन ऑफ है, उन लोगों का भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है और इसमें 2-3 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं जिससे कारण ये हो पा रहा है। एक तो है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, इसमें हम लोग एक जो विधि होता है जिसमें मैं काम करता रहा, जिसको टोकामैक डिवाइस बोलते हैं, जो कि एक रशियन इन्वेंशन था 60s का, उसके जरिए उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं और तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक कॉयल नॉर्मल कॉपर के भी बनते थे और धीरे धीरे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स भी बनने लगे। इसमें कि नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने के लिए आपको -269 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 4 डिग्री केल्विन जो है वहां जाना पर बहुत बहुत ठंडा, मतलब समझ 0 के 3-4 डिग्री ऊपर ही था। अब ये जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन गए हैं उसके कारण ये हायर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिंग हो जाता है, तो वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप उसके कारण मैग्नेट्स काफी कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो भी काफी अच्छी हो गई है, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंजेंस का भी रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये 2-3 चीजें जो एक साथ आ गई हैं उसके कारण ये सब जो है डेवलपमेंट काफी फास्ट हो रहा है, उसके कारण जो प्राइवेट इनिशिएटिव यूएस में काफी सारे हैं।
और वो सब हो मिल के ऐसा लग रहा है कि 2035 तक ये कॉमर्शलाइज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अपनी रिसर्च से, जब मैं बर्कले में था, मैं पीएचडी कर रहा था, तो मैंने एक नया कंसेप्ट दिया था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का, लेकिन उसको बनाना उस टाइम संभव नहीं था, जो उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। आज के जमाने में बहुत आसान हो गया है, और बल्कि यूरोप में जर्मनी में एक मशीन बना भी है, नॉट एग्जैक्टली मेरे कंसेप्ट का, बट सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को बनाया गया है, जो कि ऑपरेशनल भी है। तो अभी सिचुएशन ये लग रहा है कि लीडरशिप तो चाइना का ही है इन सम सेंस, यदि हम पैरामीटर्स वाइज देखें, लेकिन यूएस की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो शायद आगे निकल जाएंगी। इसके अलावा यूके में भी है। अमेरिकन कंपनीज का इनोवेशन और कॉस्ट कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है, एंड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू डू दैट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी अमेरिकन कंपनीज का बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट अबाउट इट। मैं तो पर्सनल विटनेस हूँ हाउ वी मैनेज प्रोजेक्ट्स हियर, और देयर इज नो कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एक दूसरा एक एस्पेक्ट आता है प्रोग्राम मैनेजमेंट, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्रोग्राम मैनेजमेंट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज इट्स अ सुपर लेटिव थिंग। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं और साथ में प्रोसेसेस की बात करते हैं, सो हाउ डू यू थिंक द प्रोसेस एंड द प्रोग्राम फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एस्पेशली फ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस इंडस्ट्री बिफोर इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो टेक्स अ लीड इन दैट? देखिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बता दूं इसके कारण में। जब मैं 1986 में आया था, तो 1983 के आसपास इंडिया में दो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए न्यूक्लियर फ्यूजन पर। एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर गुजरात में, जो कि इसी पर्पज के लिए डेडिकेटेड था। और दूसरा शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मैंने डॉक्टर मेघनाथ शाह का नाम लिया था। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स सेटअप किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जो कि अलग से इंस्टीट्यूट बन गया, उसका नाम उनके मृत्यु के बाद साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स दिया गया। वहां पर एक प्रोजेक्ट रूप में स्टार्ट हुआ, जो साहा इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट कर रही थी, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है, वो उसका प्रोजेक्ट का फंडिंग डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी से आ रहा था। बाद में वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से फंडिंग उसकी भी होने लगी। तो इनिशियली जब स्टार्ट हुआ काम, तो एक छोटे स्केल पर होता है, जो ग्रुप होती है वो भी छोटा होता है, तो लोग एक आपस में मिलजुल कर करते हैं, जो डायरेक्टर हैं वो सब कुछ जानते हैं। कि जैसे से काम बढ़ते जाता है, तो मान लीजिए आपने 10 से स्टार्ट किया, 500, 600, 1000 लोग हो गए हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि एक पर्सनलाइज मैनेजमेंट जो होता है नॉर्मली छोटे ग्रुप में, कि जो लीडर है उसका डिसीजन सब लोग मानते हैं और उसको सब कुछ मालूम होता है, लेकिन जब ये ग्रोथ हो जाता है तो उसमें ये समस्या आने लेती है, वो पर्सनलाइज मैनेजमेंट नहीं होता है। और इस पर जब गांधीनगर में हम लोग थे, और इंस्टीट्यूट प्लाज्मा रिसर्च में मैं कलकत्ता से 95 में शिफ्ट किया था, तो उस टाइम एक मेजर सुपर कंडक्टिंग रिएक्टर का प्लान चल रहा था, जिसका मैं भी पार्ट था, तो उसमें जो नंबर ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे काफी बढ़ गया था। तो ये कंसर्स एफर्ट हुआ कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखें, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि वो सीखना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो लोग एक तरीके से काम करने में यूज टू थे, वो अपने को बदल नहीं पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा इसका रोल रहा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। दो रिएक्टर जो 1980s में बने इंडिया में, एक 1987 में छोटा सा मशीन कलकत्ता में बना, और दूसरा मशीन गांधीनगर में थोड़ा बड़ा था, 1989 में वो बना। दोनों मैंने ही चलाए, जो कलकत्ता में था 87 बना, लगभग 1990-91 के आसपास मैंने काफी उसमें मेहनत करके चलाया था, और जो गांधीनगर बना था 1989 में, जब 95 में मैं गांधीनगर शिफ्ट किया हूँ, तो 6 साल तक वो मशीन ठीक से नहीं चला था, फिर मैंने उसको लगभग 5 दिन में चला दिया था। तो दोनों रिएक्टर को मैंने चलाया था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो मैं प्रोजेक्ट लीडर था रिएक्टर का, लेकिन मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल था जो कि उसके पास्ट का। इनफैक्ट एक मैंने सब ब्लॉग लिखा है कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक सिस्टम खराब हो गया, जिसके कारण मशीन लगभग ठप हो गया और आशा नहीं थी कि फिर से चल पाया।
कि नहीं, मैंने उसके डॉक्यूमेंट जब खोजने चालू किए तो मुझको एकदम नहीं मिल रहा था। बाय चांस एक फोटो किसी साइंटिस्ट के रूम में उसको दिखाई पड़ा, जो कि जब वो मशीन इंस्टॉल किया था राइट अर्ली स्टेज का था। वो फोटो देख के मुझको एक आइडिया आया और मैंने उसको फिर 15 दिन में लगभग ठीक कर दिया। तो ये जो प्रोसेस पार्ट जो आप बता रहे हैं और मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एक लैब एक्सपेरिमेंट से लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया काफी वीक है, अभी तक वीक है, जिसमें ऑब्वियसली जरूरत है उसको इम्प्रूव करने की। तो आप मुझे पहले फ्यूल्स के बारे में कुछ बता रहे थे और वो आपने बोला था बाद में कभी डिटेल में उसमें जाएंगे, तो फ्यूल्स के बारे में, तो फ्यूल प्रोसेसिंग और थोड़ा सा उसका साइज के बारे में बताइए कि लाइक हाउ बिग कैन बी कमर्शियल फैसिलिटी बी, और हाउ बिग कैन इट, इज इट बिगर देन न्यूक्लियर फ्यूजन फैसिलिटी या उससे छोटी है, या जो जो भी हमारे जो दर्शक होंगे, एनीवन हु वांट्स टू बिकम ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, बिकॉज आई थिंक वी आर एक तरीके से फॉर न्यूक्लियर एनर्जी का सिविलियन यूज इज बिकमिंग वेरी प्रोमिनेंट नाउ based on the needs of the world, not just India. So, or also there are some cases I've also seen some ships are being made with a floating nuclear devices. So that wo ports mein kahin pe jaye Africa mein aur shahar ko supply kare. Instead of putting inland, they're putting outsource. Aisa bhi main projects dekh raha hu kuch African countries mein. So, so please share some light on that. Ji. So actually, nuclear fusion jo inherently safe hota hai, तो नॉर्मली इसमें जो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर फिशन में वो नहीं होती है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो अपने आप मशीन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि उसको जब एक रिएक्शन रेट जब सफिशियंटली हाई हो जाता है, जो कि चेन रिएक्शन बोलते हैं, तो वो अपने आप एनर्जी उत्पन्न करता है और बढ़ते जाता है, उसको हमको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है और उसको मॉडरेशन प्रोसेस करते हैं बोलते हैं। यदि मॉडरेशन किसी कारण से फेल कर जाता है तो वो एक्सप्लोड कर जाता है एटॉमिक बॉम्ब की तरह। न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक उल्टा होता है, उसको चलाने के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल से करना पड़ता है, फ्यूल का क्वांटिटी बहुत कम होता है, उसमें कोई एक्सप्लोजन का चांस नहीं, तो इसके कारण जो रिक्वायरमेंट एरिया का होता है वो कम हो जाता है। दूसरा है कि न्यूक्लियर फिशन में नॉर्मली सेफ्टी रीजन से उसको सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का एरिया उससे दूर रखना पड़ता है और सफिशियंट एरिया रखना पड़ता है, जैसे कि एक बफर जोन रहे इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये सब की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं दर्शकों को और बताना चाहूंगा कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोग बोलते हैं या न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन साइंटिस्ट को हम लोग प्लाज्मा फिजिसिस्ट बोलते हैं। तो हम लोग को नॉर्मल न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं बोला जाता है, न्यूक्लियर वर्ल्ड को न्यूक्लियर फिशन से एसोसिएट कर दिया गया है और न्यूक्लियर फ्यूजन साइंटिस्ट को प्लाज्मा फिजिसिस्ट बोला जाता है। कारण यह है कि जैसे सूर्य के बारे में मैंने बताया कि सूर्य में जो तापमान है वो बाहर की तरफ देखें उसका सरफेस वहां 6,000-7,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और उसका कोर जो सेंट्रल रीजन जो हाईएस्ट टेम्परेचर पॉइंट है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। उस स्टेट में कोई मटेरियल जो है वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। यदि मैं एक लेमन की तरह बोलूं तो हमारा सॉलिड लिक्विड और गैस फेज होता है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर ले जाते हैं तो प्लाज्मा फेज में हो जाता है, और 99% जो यूनिवर्स का है वो प्लाज्मा ही है, स्टार्स हैं, सन है, सब प्लाज्मा स्टेट में है, जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को बताया जाता है। तो चूंकि हम लोग उस टेम्परेचर पर काम करते हैं तो प्लाज्मा के साथ डील करते हैं, इसलिए हम लोग प्लाज्मा फिजिसिस्ट बोला जाता है। और इसका अनफॉर्चुनेटली एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि जब न्यूक्लियर रिलेटेड पॉलिसी बनती है तो केवल फिशन पर फोकस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंसीडर नहीं किया जाता है। इंडिया में इस पर बहुत एक सीरियस इशू हो गया है कि अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन को सपोर्टिंग पॉलिसी नहीं बना है, जबकि यूएस में बन गया है। कैलिफोर्निया ने एक अलग प्रावधान किया है, इसको स्पेशल अपने एक्ट बनाया है जिसमें फ्यूजन और फिजन को सेपरेट किया गया है, यूके में किया गया है। तो इंडिया में ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिसी सपोर्ट न्यूक्लियर फ्यूजन को नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली। तो इन टर्म्स ऑफ साइज जो है इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, एरिया वाइज रिक्वायरमेंट भी कम होती है, और सेफ्टी वाइज इट इज मच मच बेटर, मतलब इनहेरेंटली सेफ। और यदि मैं एक्चुअल रिएक्टर की साइज बोलूं तो जो ईटर प्रोजेक्ट है
फ्रांस में उसका समझिए कि लगभग 8 मंजिला इमारत की तरह साइज है, लेकिन अब जो मशीन्स बन रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांस उसका लगभग 1/10 साइज हो जा रहा है, 1/10 साइज हो रहा है, मतलब समझिए कि यदि मैं बोलूं तो 5-6 मीटर का स्फीयर ले सकते हैं, या मान लीजिए 10 मीटर का स्फीयर ले सकते हैं, 30 फुट का स्फीयर शायद उसके साइज का हो जाए वो। लेकिन ऑफकोर्स ये सबके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, अभी मेरे लिए एग्जैक्टली कहना कि कितना बड़ा होगा मुश्किल है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दूं, जो MIT का स्पिन ऑफ कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम है US में, उन लोगों ने अभी 50 एकड़ का लगभग जमीन लिया है, जिसमें कि उनका जो इमीडिएट एक रिएक्टर बना रहे हैं जिसको स्पार्क बोलते हैं, जो कि एक प्रूव करेगा इस टेक्नोलॉजी को जो उन्होंने बना रहे हैं, इसमें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फिर उसका जो नेक्स्ट मशीन बनेगा जो कि एक्चुअल प्रोड्यूस करेगा वो सब 50 एकड़ जमीन में बन जाएगा। तो आप इससे आइडिया लग सकता है कि कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, और उससे आइडिया ये भी लगा कि कितनी साइज होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोगों के मन में चलता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इट्स ए मतलब एक्सप्लोजन, जो इमेज बनाया हुआ है न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब, एंड पीपल थिंक दैट द फ्यूजन इज अनकंट्रोलेबल, उल्टा ही बहुत सोचते हैं लोग। And you are telling absolutely reverse information, the fusion can be easily controlled and less dangerous. So why didn't they focus on fusion instead of fission? तो ये क्या है कि जो scientific and technological development होती है, तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि atomic bomb बाद में बना और atomic power station पहले बन गए, और fusion में उल्टा हुआ है, जो विध्वंसक पार्ट है उसका हाइड्रोजन बॉम्ब वो पहले बन गया, और जो उसका जो यूजफुल पार्ट है वो जो है अभी तक टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें जैसा मैंने कहा प्रोग्रेस काफी हुआ है, और हम लोग थोड़े से बदनाम इसलिए कि हम लोग बोलते हैं अगले 20 साल में ही हो जाएगा, लेकिन वो 20 साल अभी तक बना रहा और 70 साल लगभग निकल चुके हैं, लेकिन ये 20 साल अब मेरे हिसाब से कम हो गया है। अब मैं 2024 में हूं, मैं बोल रहा हूं 2035 तक हो जाएगा, 11 साल के अंदर में ये शायद हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो डिफिकल्टीज उसमें थी उसको सरमाउंट करने में काफी टाइम लगा है, इसलिए ये डिले हुआ है। अब ये होती है, कोई जो एक्सपेक्टेड था कि हम लोग 1970s में कर लेंगे, लेकिन होते होते अभी 2000s में आ गए, 2024 में आ गए हैं, लेकिन 2035 तक मुझको लग रहा है कि हो जाएगा कमर्शलाइज। सो व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी थिंग लैकिंग? उसमें बहुत सारी समस्याएं थी कि एक तो था कि आप इतना जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है सूर्य, और ये बता दूं दर्शकों को कि सूर्य का टेम्परेचर से मैंने कहा मैक्सिमम टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री के आसपास होता है, और दी करोड़ मरे तो 1.5 करोड़, उससे लगभग 12 गुना टेम्परेचर पृथ्वी पर बन चुका है, 18 करोड़ 180 मिलियन चाइना के एक रिएक्टर में बना है। तो एक तो था कि इतने टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना, और उस जब टेम्परेचर होता है उसको जो भी प्लाज्मा उसमें है उसको कहाँ रखें, कैसे रखें, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बहुत सारी इसकी विधियां हैं, लेकिन एक जो मैं जिस पर मैं काम किया जिसको मैग्नेटिक फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं, उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना के उसको कन्फाइन करना जिससे कि प्लाज्मा लीक आउट नहीं हो, ये डिफिकल्ट था। टेम्परेचर उस पर मेंटेन करना, और उसके अलावा और भी जो रिलेटेड इशूज थे ये सब डिफिकल्टी थी उसमें, धीरे 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 प्रोग्रेस हुआ है, और अब हम लोग एक बहुत क्लोज हैं, 10-11 साल की बात है इसमें, तो लगता है कि ये हो जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट थे इस पर, इनफैक्ट जब काम स्टार्ट हुआ था बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1960s में रशिया में जब एक इन्वेंशन हुआ जिसको मैं टोकामैक बोलता हूँ, उसको रशियन एब्रीविएशन है उसका, टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर का, उसके कारण काफी चेंज हुआ, तो उसके कारण विश्व में काफी लोग उस पर काम करने लगे, US में भी लोगों ने उसको तुरंत अडेप्ट किया, और मैं भी इंडिया पर उसी पर काम कर रहा था। तो वो जो डिवाइस है वो काफी अभी रिलेटिवली सक्सेसफुल माना जाता है उस प्रोसेस, उस विधि को, लेकिन ऑल्टरनेट्स भी काफी सारे हैं। तो उसका जो साइज, जैसे मैंने कहा कि जो रीइटर प्रोजेक्ट फ्रांस में है उसको 8 मंजिला इमारत की तरह है, तो समझ सकते हैं उसका जो स्कोप है, उसका एक एक जो पार्ट है इतना एक्सपेंसिव। अभी मैं था लंदन में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्फ्रेंस एनुअल था, उसमें देखा कि एक कुछ केमिकल रेसिड्यू रहने के कारण एक क्रैक आ गया एक वैक्यूम वेसल में, जिसका कि बहुत बड़ा वजन है,
और उसको ठीक करके फिर से बनाने में 3 से 4 साल लग जाएगा। तो इतना बड़ा स्केल है, तो उसमें छोटी सी भी कोई समस्या आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जो कि एक छोटा सा डिवाइस होता तो शायद बहुत जल्दी रिपेयर कर पाते या नया बना पाते, तो ये एक उसमें समस्या है जो स्केल। लेकिन अब जैसा मैं बोल रहा हूँ कि साइज छोटा हो रहा है, उसके कारण समस्याएं भी कम हो जाएंगी और हमको आशा है कि इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और इसकी और भी जो रिक्वायरमेंट्स वो कम हो जाएंगी। तो इसलिए मैं बोला कि 2035 तक ये कमर्शियलाइज हो जाएगा। सो उसको रिपेयर इज सो एक्सपेंसिव एंड द कॉस्ट टू बिल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव मेरे हिसाब से, राइट? जी जी जी, कोई भी छोटी समस्या आ जाती है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। और मैं एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने पहले कहा था, एक चीज में बताना चाहूंगा अभी, कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस उसमें होते हैं उसको यदि हम उपयोग कर सकें तो हमको जो फाइनल हमारा गोल है कि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, उसके पहले हम इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाई चांस ऐसा हुआ कि 2020 के अक्टूबर में एक कैलिफोर्निया के इन्वेस्टर हैं डॉक्टर आकाश सिंह, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और कहा कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन में काम कीजिए, मैं इसको फंड करूंगा। तो पहले मैंने तो उनको समझाया कि बहुत डिफिकल्ट है और यदि बनता भी है सक्सेसफुली तो कब बनेगा और कब कमर्शियली यूजफुल होगा ये कहना मुश्किल है। तो मैंने उस पर फिर भी उन्होंने जिद किया कि नहीं आप कीजिए। तो मैंने दिसंबर 3, 2020 को पटना में एक बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस था, उसमें अनाउंस किया इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। उस प्रोजेक्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको प्रोजेक्ट को हमने प्रोजेक्ट सनलैन कहा था, क्योंकि सनलैन नाम न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो फ्यूजन का हिंदी में हम लोग सनलैन बोलते हैं, संस्कृत में सनलैन बोलते हैं। तो उस प्रोजेक्ट पे हमने ये डिसाइड किया था कि जो न्यूट्रॉन्स है उसको हम उपयोग करेंगे। उसको तीन उपयोग हमारे दिमाग में था। एक तो है कि इंडिया के पास हाईएस्ट रिजर्व थोरियम है वर्ल्ड में, नियरली 25% है। तो थोरियम को न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से हम उसको फिसाइल फ्यूल यूरेनियम-233 में कन्वर्ट कर दे सकते हैं, जो कि जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वर्ल्ड वाइड उसमें यूरेनियम सप्लाई कर सकता है। और इसका मैं एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट बताना चाहूंगा कि हमारे कोलेबरेटर हैं टेक्सास ऑस्टिन में, प्रोफेसर स्वदेश महाजन, उन्होंने मुझको कहा कि यदि आप ये कर पाते हैं तो जितना सऊदी अरबिया को जितना ऑयल से वेल्थ मिला उससे ज्यादा वेल्थ इंडिया को हो जाएगा, उस इसी एक सिंगल चीज से। दूसरा एक जो समस्या है जिसमें कि जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है एटॉमिक पावर स्टेशन से, जिसको हैंडल करने का तरीका लोगों को मालूम नहीं है अभी तक, उसको यूएस में, नेवाडा में और जगह और सब जगह उसको अंडरग्राउंड डंप किए जाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन से उसको यूज करके हम लोग जो न्यूक्लियर वेस्ट है जिसका हाफ लाइफ लगभग 200,000 ईयर्स होता है, उसको हम लोग ऑलमोस्ट 300 ईयर्स के आसपास कर दे सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी 1% कर सकते हैं। और तीसरा जो उपयोग है दैट इज एक मेडिकल आइसोटोप होता है टेक्निशियम-99m, जो कि वर्ल्ड के 80-85% रिक्वायरमेंट जो मेडिकल आइसोटोप की होती है वो उसी की होती है, जिसका वर्ल्ड वाइड काफी शॉर्टेज है। यूएस वर्ल्ड का हाफ यूज करता है इसका, और इसका अनफॉर्चुनेटली जो हाफ लाइफ बहुत कम होता है, इसलिए इसको ज्यादा दिन रखा नहीं जा सकता है, इसको ज्यादा देर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें 6 रिएक्टर यूज किए जा रहे थे, इसमें कनाडा में था, 5 जो है उसमें बंद होने वाले हैं अभी अगले 8-10 साल में। एक केवल ऑस्ट्रेलिया में नया बना है वो चलेगा, बाकी सब पुराने हो चुके हैं, बंद करना पड़ रहा है, इसका हैवी शॉर्टेज होगा। तो इस टेक्निशियम 99m को भी स्टेप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो मैंने न्यूट्रॉन जो है वो एज ए न्यूट्रॉन, एज ए नेट गेन ऑफ न्यूट्रॉन, वो अर्ली स्टेज में हो जा रहा है, तो उसको हम इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं एक एग्जाम्पल इकोनॉमी का देना चाहूंगा, एक तो मैंने बताया आपको कि यदि हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इट विल बी ह्यूज गेन फॉर द कंट्री। दूसरा मैं बताना चाहूँ कि जो टेक्निशियम 99m की मैं बात कर रहा था, हम लोगों ने जब इस पर काम किया और इसका इकोनॉमिक आस्पेक्ट देखा तो हम लोगों को लगा कि इसको बनाने में लगभग $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन इसका जो रिटर्न होगा इट विल वेरी हाई, इट विल बी ऑलमोस्ट $4-5 बिलियन एवरी ईयर होगा। तो समझ सकते हैं कि इसका मैं ये फिगर्स थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन एक डायमेंशन की मैं बात कर रहा था, तो इसका काफी बड़ा डायमेंशन है। और इंडिया में एक जो जरूरत है इसमें कि पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को और फिशन को लोग मिला देते हैं। यूएस ने चेंज कर दिया, यूके ने चेंज कर दिया, कैलिफोर्निया इस पर स्पेशल बिल पास किया है, तो इंडिया में इस पर फोकस करने की जरूरत है कि इसको प्राइवेट एंटिटीज को कैसे इसमें इन्वॉल्व करें जिससे कि इसका सक्सेसफुल इंडिया में यूटिलाइजेशन हम कर पाए। और जैसे मैंने कहा इंडिया स्पेसिफिक बहुत एग्जाम्पल है, थोरियम की मैंने बात की, ये इंडिया हैज द हाईएस्ट रिजर्व, इस पर काम करने की जरूरत है।
अमेजिंग इन्फॉर्मेशन. आई थिंक आई नेवर थॉट दिस वे, बिकॉज जो हमको सिखाया गया था इज टोटली अपोजिट ऑफ दैट. तो जब जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, देन इफ इट इज सो लाइक इट इज सो सेफ, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इतना वायलेंट कैसे हो गया? हाइड्रोजन बॉम्ब को मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब को स्टार्ट करने के लिए 3 एटॉमिक बॉम्ब लगते हैं. वाओ, तो समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन को इनिशिएट करने के लिए 3 एटॉमिक बनते हैं, उसके बाद वो हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करता है. वाओ, तो वो भी इजी नहीं है, इजी नहीं है. और एक मैं और चर्चा करना चाहूँ, यूएस में चूंकि काफी दिन से न्यूज में है, 2022 में लॉरेंस लिवरमोर से एक रिजल्ट आया था जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन को थोड़ी सुर्खियों में लाया था यूएस में स्पेशली, और यूएस गवर्नमेंट ने उसको काफी प्रमोट किया था, जो कि एक लेजर यूज करके करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेट गेन ऑफ एनर्जी हुआ है. ऑफकोर्स वो जो प्रोसेस था और जो सिस्टम, उसमें बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए हुआ था उसका. अभी कॉमर्शियल में नहीं देखता हूँ, लेकिन वो प्रोसेस को यूएस में काफी मिला, जिसके कारण इन्वेस्टर्स के दिमाग में न्यूक्लियर फ्यूजन लास्ट 2 साल से थोड़ा आ गया है. So is it like a cheaper? Is it like a cheaper to produce nuclear fusion energy than nuclear fusion energy? मैं वापस पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. ये तो देखिए, जब तक ये कॉमर्शियली नहीं हो पाता है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा. लेकिन जिस स्केल पर, एक्चुअली जो स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका कारण यही है कि जब लार्ज स्केल पर हम करते हैं तो ही वो कॉमर्शियली वायबल होता है. और जो वो स्केल है वो 1/10 अभी हो गया है, तो इसके कारण उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. और जहां तक मेरा मानना है, इसका जो रॉ मटेरियल है, जो मेन एक रॉ मटेरियल समझिए, पानी से मिल रहा है, पानी से हैवी वाटर निकाल कर उससे बनता है. तो और वो पानी सबको अवेलेबल होता है. और दूसरा जो लिथियम है, उसकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट कम होती है. तो मुझको लगता है रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत कम है. तो मेरी आशा है कि एक्चुअली जब कमर्शियल होता है तो उसका कॉस्ट भी कम होगा. एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप वीसी हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, डीवाई पाटिल, और सो बहुत सारे इंडिया में न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर कम्युनिटी है, एंड यू आर डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग वंस. तो उसमें जो जो इन द न्यूक्लियर कम्युनिटी, इंडिया अभी भी रशियन हेल्प लेता है, फ्रेंच हेल्प लेता है फॉर मेकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि सिविलियन पर्पजेस के लिए. सो हाउ इंडिजिनस कैन दिस इंडस्ट्री बिकम टू इंडिया, द न्यूक्लियर फ्यूजन इंडस्ट्री? बिकॉज इंडियन इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी लार्ज, एशिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेस है, राइट? एज कम्पेयर टू इवन चाइना के कंपेरिजन में भी इट इज बिग एक्चुअली. तो इसमें एक्चुअली एक हिस्टोरिक क्लासरूम में लाना चाहूंगा. जब न्यूक्लियर फ्यूजन पर जो काम स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन सब बना, तो उस टाइम सब क्लासिफाइड था. और फिर जब एनर्जी पर काम होने लगा, late 1940s early 1950s की बात है, तो उस टाइम सबने अपना अपना अलग कॉन्फिडेंशियल रूप में काम करना स्टार्ट किया था. 1958 में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उस सेशन के साथ चेयर थे, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन को ओपन कर दिया जाए रिसर्च को, और ऑल कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस. तो उस टाइम से न्यूक्लियर फ्यूजन का जो काम है वो ओपन हो गया था. अब यदि मैं एग्जाम्पल इंडिया कर लूँ, और जैसे आपने कहा इंडस्ट्री की बात कही, और दर्शकों को शायद मालूम ही होगा कि अभी चाइना का सिचुएशन इकोनॉमिकली 2 साल से 2.5 साल से काफ़ी खराब हो गया है, और इंडिया जियोपॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो गया है. तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि होल वर्ल्ड का फोकस ये है कि चाइना से इंडस्ट्री को इंडिया में शिफ्ट किया जाए, या चाइना प्लस वन एक इंडिया भी इंडस्ट्री का हब हो, मैन्युफैक्चरिंग का हब हो. और मैं पर्सनली भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व, इसलिए उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मिल रहा है. तो ये चेंज हो रहा है, जो कि इंडिया को काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना रहा है, इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास है. अब जो बात आपने पूछी इंडस्ट्री का, तो जब हम लोग 1980s में जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बना रहे थे, उस टाइम जो इंडस्ट्री का लेवल था वो काफ़ी पुअर था. एक इंडस्ट्री नहीं कर पाती थी पूरा सिस्टम, तो हम लोग को 5-10 इंडस्ट्री और कुछ बाहर के इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ता था. जब 90s में सुपर कंडक्टिंग रिएक्टर बनाया गया गांधीनगर में, उसमें हमने देखा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के जो अलग अलग एजेंसीज थे, उन लोगों ने मिलकर कहा कि हम पूरा प्रोजेक्ट ले सकते हैं. और अभी रिसेंटली जो ईटर फ्रांस में हुआ, उसमें जो लार्जेस्ट उसका पार्ट है क्रायोजेनिक डिवाइस, जिसको इलेक्ट्रिकल इंडिया के लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया था, और उसका
डिलीवरी भी पहले हो गया, आराम से हो गया, सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो गया। और मैं भी जब न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम स्टार्ट किया 2020 में, तो मैंने देखा कि इंडियन इंडस्ट्री की लेवल अभी काफी हाई हो चुकी है, जो कि लास्ट 40 साल पहले जब हम लोग काम स्टार्ट किया तो नहीं था। तो अभी ये आशा है कि और जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो काफी अच्छा हो रहा है, तो इंडिया कैन बिकम ए लीडर। लेकिन पॉलिसी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो डीप पॉकेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी कहीं हो चुका है और इसको हम कॉपी कर सकते हैं। इसमें चूंकि एक R&D फेज है तो उसमें अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और पॉलिसी सपोर्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी दर्शक सुनेंगे ये, मैं चाहूंगा कि ये जहां भी पॉसिबल हो इसके बारे में चर्चा करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन को अलग किया जाए। US ने ऑलरेडी कर दिया है, कैलिफोर्निया अलग बिल बनाया, UK ने कर दिया, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। और वी कैन सी कि एज ए इंडस्ट्री इज ग्रोइंग तो उसका एपेटाइट भी है, भारत में है और भारत का एक जो स्टेटस बन चुका है अभी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑन द बेसिस ऑफ PPP, तो उसमें भी उसका काफी स्टेटस है, रूम फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। जी so, मैं एक रिपीट करना चाहूंगा आपके क्यू लेकर, जो आपने कहा कि परचेज पावर में थर्ड इकोनॉमी है और जो आशा है कि 2027-28 तक हम लोग GDP वाइज भी थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे। और मैंने अभी लंदन में अक्टूबर में ये कहा था कि बाय 2050 लें तो इंडिया, मैं कहता था कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, US क्रॉस कर जाएगा। मैंने लंदन में ये कहा था, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एंड इंडिया बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050। तो ये इंडिया ये ग्लोब एक गोल्डन पीरियड है जिसको अभी हम लोग अमृत काल इंडिया बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं हर एक इंडियंस को जहां भी हो दुनिया में बोलूँ कि ये गोल्डन पीरियड है, इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और एक ये भी आज देखा कि जो इंडियंस यहाँ से जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं US में, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ बहुत कम हो गई है, जो लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, तो काफी लोग वापस इंडिया आना चाह रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी है जो सोचते हैं कि बहुत खर्चा करके यहाँ से जाएंगे, लोन लेके जाएंगे, इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट, प्लीज इंश्योर कि आप जाते हैं तो वापस आइए, बट डोंट टेक सो मच लोन दैट बिकम्स अ बर्डन फॉर यू। तो ये गोल्डन पीरियड इंडिया के लिए है, ऑल ऑफ अस शुड कंसीडर दिस। थैंक यू, ग्रेट एडवाइस, ग्रेट एडवाइस। क्योंकि मैं भी बोलूंगा एज ए इंडियन अमेरिकन बोलूंगा कि आप सभी लोग बिल्कुल, जो प्रोफेसर ने बोला बिल्कुल सही है। आई कैन टेल यू द ग्राउंड सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड और यहाँ पे बच्चों के जो फ्यूचर है, जो हम लोग के बच्चे इधर पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, इज वेरी वेरी डेंजरस राइट नाउ, वेरी फ्राइटनिंग ऑल्सो। कि इकोनॉमिक के लिए पर्पज के लिए, जो हम लोग सब इकोनॉमिक पर्पज के लिए आए थे और अभी हम लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन that was the main purpose we had come for, I'll be very honest about it. So now those things are reducing day by day. In fact, main to hamesha entrepreneurship mein raha hu. So then so most of the times what I used to see that time is not there today. Wo fire nahi hai abhi. And that is in India right now. Ek mere ko last aap se question hai ki those students aur jo hamare darshak hain who want to build a career in nuclear साइंस, आपका आपसे इंस्पिरेशन लेके, व्हाट शुड बी देयर पाथ ऑफ स्टडी? तो देखिए, पहले तो मैं न्यूक्लियर साइंस जैसे आपने वर्ड यूज किया, मैं थोड़ा सेग्रीगेट बार बार करना चाहूंगा कि फिशन वाले को न्यूक्लियर साइंस बोलते हैं और फिशन, वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में भी फिशन की जरूरत होती है, उस नॉलेज की जरूरत होती है जो कि इंडिया में काफी अच्छा है। तो लेकिन इसमें लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, आप स्पेस टेक्नोलॉजी लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन लीजिए, इसमें हर एक लोगों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं केवल आप फिजिक्स करते हैं, आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल की होती है, वैक्यूम के एक्सपर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, सबकी जरूरत होती है। तो कोई ऐसा नहीं है एक सिंगल पाथ है, जैसे मैं फिजिक्स में मैंने सब कुछ किया स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर्स टू मास्टर्स टू PhD, लेकिन जब, और मैं सिमुलेशन एक्सपर्ट था जब मैं कैलिफोर्निया में था, उस पर काम करता, वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर्स यूज करता था। इंडिया जब मैं आया तो मुझको एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होना पड़ा और उसमें कोई बैरियर नहीं था कि आप बोलो कि मैं केवल फिजिक्स से काम करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इट इज ऑल इंटरडिसिप्लिनरी, तो इसमें आप किसी भी दिशा से आ सकते हैं। इट इज नॉट कि आपको यही चीज करना है तो आपको गारंटी कि आपको इसमें चले जाएंगे, लेकिन ये है कि जो एक अननोन चीज है उसमें आप काम कर रहे हैं, इसमें अनसर्टेनिटी है, आपको मालूम नहीं है, वो एक थ्रिल होना चाहिए, आप में एक जज्बा होना चाहिए कि हमको ये करना है। प्रॉब्लम इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय नॉलेज, मैंने हरदम यही माना है कि प्रॉब्लम इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय नॉलेज,
और यंग लोग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपका जो पैशन है उसको फॉलो करें। वी आर नॉट इंडिया में ये सिचुएशन अभी नहीं है कि लोग भूखे मरेंगे, तो इस जनरेशन को ये चॉइस है कि दे कैन मेक चॉइसेस। आई वुड सजेस्ट कि फॉलो योर पैशन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में वो जज्बे की जरूरत है कि आप ये समझे कि हम जो किसी ने दुनिया में नहीं किया उसको भी हम कर सकते हैं, उसको आगे बढ़िए आप। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, न्यूक्लियर साइंस वर्सेस न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नहीं, न्यूक्लियर साइंस वर्सेस या न्यूक्लियर फिजिक्स वर्सेस प्लाज्मा फिजिक्स में बोलूंगा। न्यूक्लियर फिजिक्स को न्यूक्लियर फिशन वाले एसोसिएट करते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स न्यूक्लियर फ्यूजन वाले एसोसिएट करते हैं। अच्छा। प्लाज्मा हम लोग क्रिएट करते हैं इसलिए। बट ऑफ कोर्स दोनों न्यूक्लियर है, दो अलग अलग प्रोसेस है। एक में हम जोड़ते हैं चीजों को, हम लोग दिल के जोड़ने वाले हैं और कुछ लोग दिल को तोड़ने वाले हैं। चलिए, दिल को जोड़ने वालों की हमेशा जय होती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रभात रंजन जी फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग इट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू टेल अस फीडबैक अबाउट दिस पर्टिकुलर शो। और जो उनको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज सर्च हिम आउट ऑन इंटरनेट, यू विल डेफिनेटली फाइंड हिज कॉन्टेक्ट। उनको डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड नमस्ते। थैंक यू।